उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में दिल्ली से हाथरस पीड़िता के गांव जाने के दौरान एक्सप्रेसवे पर पकड़े गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों की न्यायिक हिरासत 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। उन पर देशद्रोह, सांप्रदायिक उन्माद भड़काकर दंगा कराने के प्रयास का मामला दर्ज है। जिला प्रशासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय अनिल कुमार पांडे की अदालत में चल रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों के खिलाफ चल रहे मामले में एसटीएफ के उपाधीक्षक राकेश पालीवाल ने इस मामले में चार्जशीट पेश करने के लिए 3 माह का समय मांगा है। उन्होंने बताया कि वैसे भी इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट लागू होने के बाद कानूनन आरोप पत्र दाखिल करने के लिए जांच दल को 90 दिन के स्थान पर 180 दिन का समय दिए जाने का प्रावधान है। पालीवाल ने यही हवाला देकर समय मांगा था जो अदालत ने उन्हें दे दिया है और अब जाँच समाप्त होने के बाद तय अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल किए जाएंगे। गौरतलब है कि हाथरस में एक दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या हो जाने के बाद वह दंगा भड़काने के प्रयास में दिल्ली से कार में जाते समय 5 अक्टूबर को एक्सप्रेसवे के मॉन्टोल प्लाजा पर पकड़े गए पीएफआई के 4 सदस्यों पर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच सरकार द्वारा गठित एसटीएफ कर रही है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।